हेलो दोस्तों, नमस्कार जोहार। हमारे आज की इस छोटी सी वीडियो पर आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो लेके आ रहे हैं आपके सामने। आज दोस्तों दिखाएंगे प्लास्टर करता है, उसी के बारे में दोस्तों दिखाएंगे। पहले डाड़ो देने के पहले जो प्लास्टर किया जाता है तो उसके बारे में दोस्तों, उसके पहले जो प्लास्टर होता है तो वो कैसे प्लास्टर होता है, ये चीज़ के बारे में दिखाएंगे आप लोगों को। और ऐसे ही वीडियो पे आप लोग बने रहिए। ये देखिए दोस्तों, वहाँ प्लास्टर पूरा सटाया नहीं है। जब भी दीवार को प्लास्टर किया, जो नीचे वाला पर्सन होता है, नीचे दोस्तों टाइल्स दिया हुआ है, टाइल्स के ऊपर जो दीवार का होता है और वो प्लास्टर करके कंप्लीट नहीं किया था। तो अभी क्या, अभी इसके बारे में, इसका प्लास्टर के बारे में दिखाएंगे। ये देखिए, अभी ये मिस्त्री है, देख सकते हैं टाइल्स मिस्त्री। ये देखिए टाइल्स मिस्त्री, इसका चेहरा पहचानिएगा। और ये बनाया हुआ है, ये बालू मोटा है इसलिए जल्दी नहीं पकड़ता है। और ये देखिए दोस्तों, नीचे वाला पर्सन को प्लास्टर कर रहा है अभी। ये देखिए करनी पकड़ा हुआ है और करनी के माध्यम से इसमें देना पड़ता है। देखिए कैसे निकल रहा है, ये बालू मोटा होने के कारण ये समस्या हो रही है। इसके लिए प्लास्टर के लिए दोस्तों बालू होना चाहिए पतला वाला। ये देखिए कैसे निकल रहा है अपने, जैसे ही दे रहा है मिस्त्री वैसे ही निकल रहा है कुछ कुछ जगह में। देखिए इतना सारा मसाला बना के रखा हुआ है, अब कुछ जो चिपकने के वजह वो निकल ही रहा है कुछ कुछ जगह में। ये देखिए यहाँ तक अभी देना बाकी है, वो दरवाजा तक। देखिए दोस्तों अभी ये मसाला लेके आ गई है, देखिए डाल दिया मसाला, सीमेंट और बालू का मसाला बनाया हुआ है और उसी को मिस्त्री साहब ने जो है प्लास्टर कर रहा है। पहले इसको ऐसे देना पड़ता है, मसाला को इस तरह देना पड़ता है दोस्तों, जहाँ जहाँ नहीं पकड़ता है दोबारा वहाँ फिर उसी तरह ही यहाँ मसाला को दे रहा है। ये देखिए इसका आइडिया भी होना चाहिए, जैसे ही ये देगा वो चिपक ही जाएगा दोस्तों, इसके बाद खोलेगा भी नहीं। ये मसाला ऐसा चीज़ है क्योंकि सीमेंट मिलाया हुआ है। ये देखिए ये मिस्त्री है, ये दोस्तों देखिए जहाँ जहाँ ये सीमेंट दिया है, मसाला दिया उसी जगह फिनिशिंग कर रहा है, देख सकते हैं इस तरह फिनिशिंग हुआ करता है, इस तरह फिनिशिंग होता है। देखिए ये जो रूसा दिखाई दे रहा है आप लोग, पकड़ने वाला लकड़ी का बनाया हुआ है, मिस्त्री की भाषा में उसको रूसा नाम दिया गया है। तो इसी रूसा से जहाँ मसाला दिया है आपने, ऐसे ही तो कितनी जगह मसाला छाप, ये देखो मसाला छाप, पशु का बोलता है मसाला छाप दिया है। और ये देखो पानी वाला मसाला अभी बनाया है और उसको सटाने के लिए इसी से पंचिंग है, रूसा से पूरा घोसेगा। तो पहले जो प्लास्टर हुआ है ऊपर से, उसके साथ पूरा मैचिंग करेगा। ये रूसा ऐसे एक चीज़ है, अब जैसा घोस रहा है तो ऊपर का लेवल सेम आ जाएगा नीचे तक। इधर देखिए फेंसिंग पूरा हो गया है, इसीलिए अभी जो है पानी वाला हल्का पानी देके ये मसाला को छाप रहा है अभी। देखिए ऐसे घुसना पड़ता है, तो कुछ कुछ जगह में जो है निकल रहा है मसाला, उसको फिर दबा के तो फिर दे के छाप रहा है। उसको छपने के बाद फिर उसको ऊपर से घुसेगा, और करनी भी इसमें ज़रूरी होता है। देखिए पानी डाल रहा है, पानी पानी होना ज़रूरी है, छिटकेगा। देखिए कुछ कुछ जगह में और भी निकल ही रहा है। देखिए घुसने का मतलब होता है कि ऊपर का लेवल और जहाँ जहाँ उबड़ खाबड़ होता है उसी जगह को घोस के ही एकदम लेवल लेके आ रहा है। कुछ कुछ जगह में इसको दिया जाता है फिर घुसा जाता है, जब तक कि वो फेंसिंग नहीं होगा तब तक ऐसे ही करते रह रहा है।
कितना सुंदर बन गया है, पहले के प्लस्तर के बराबर उसके समान उसके लेवल में लेके आ गया। बहुत ही आराम काम है दोस्तों, ये वाला बैठे बैठे करोगे सबसे अच्छा काम है। ये मिस्त्री का काम यही है, दूसरा काम कुछ नहीं करता है, ये टाइल्स देने का ही है इसका काम। आगे टाइल्स दिखाया बिछाया गया है, इसी के द्वारा ही दिया गया है, यही ताकि अभी प्लस्तर कर रहा है, तो फिनिशिंग लेके आ रहा है, उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाएंगे आप लोगों को। यहाँ टाइल्स कैसे देगा, इस दीवार से कितना ऊपर देना है, कितना क्या करना है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। जो है जो चिपका हुआ सीमेंट था, चिपका मसाला था, तो वो खुल गया है, और फिर वहाँ जो सूखा वाला जो सीमेंट आता है उसको हल्का हल्का दे के उसको चिपकाएगा, अच्छे से निकल जाता है। और अभी ये कोना आता है, ये कोना है, कोना के नीचे पार्सन में दोस्तों उसको ये प्लस्तर कर रहा है, ये देख सकते हैं इधर सारा कोना। जब भी नीचे का पसन दिखाए थे तो रबड़ खबर दिखावा था, उसमें प्लस्तर नहीं किया था पहले, जब दीवार प्लस्तर किया तब, और अभी दोस्तों इसमें डेडो बनाएगा तो उसी कारण से अभी इसमें प्लस्तर जो है कर रहा है। जहाँ भी कोना होता है दीवार का वो जगह थोड़ा दिक्कत होता है क्या मिस्त्री, कोना में थोड़ा दिक्कत होता है। ये देखिए कैसे अभी उसको सूखा सीमेंट जो है डाल रहा है, अभी चिपकेगा दोस्तों सीमेंट ये मसाला, नहीं तो चिपकना नहीं खुजता है। अभी कितना जल्दी चिपक रहा है, इससे पहले जो दुगा दिया था दोस्तों सीमेंट का गोल के, और उसको भी दिया और वहाँ नहीं पकड़ा, इसलिए अभी सूखा वाला सीमेंट जिसको यहाँ देखिए छाप रहा है, ऐसे ही बनता है कोना जहाँ होता है। तो देखिए दोस्तों खोल दिया, कितना बढ़िया हो गया दोस्तों, जो पहले ऊपर से इतना अच्छा कोना बनाया हुआ नीचे आया, और उससे नीचे भी वैसे ही बन के तैयार हो गया। अब इसको भी समतल लेके आ गया है, देख सकते हैं कोना, हर एक जगह जिसको दिखाया था आप लोगों को खोल गया, और इसमें ये सूखा वाला सीमेंट दे दिया, देखे दे रहा था, देखिए ये सूखा वाला सीमेंट है, इसमें चिपकता है अभी, अभी अगर इसमें छपेगा तो मसाला जल्दी ही पकड़ लेगा, देखिए दोस्तों कितना जल्दी पकड़ लिया। एक रूम का कंप्लीट होते जा रहा है, यानी कि प्लास्टर करना एक रूम का, इस कोना से इस जगह से देख के आया दोस्तों, इधर भी दे दिया है, इधर भी प्लास्टर किया है नीचे एक कोना तक, और इस कोना से लेकर दोस्तों इस कोना तक प्लास्टर हो गया। अभी लास्ट वाला साइड जो बचा हुआ है उसको भी है, अभी छाप रहा है, प्लस्तर कर रहा है नीचे, इतना अच्छा काम हो रहा है दोस्तों, एकदम कोई रोक टोक नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से। और जब भी प्लस्तर होता है दोस्तों हड़बड़ी नहीं होता है, जब हड़बड़ी होता है तो उसमें जल्दी नहीं कम बनता है और गड़बड़ ही हो जाता है हड़बड़ी करने से, आप लोगों को पता है। तो अभी प्लास्टर करना ख़त्म हो रहा है, एक कोना में थोड़ा सा बचा हुआ है, और उसी कोना पर उसको सूखा सीमेंट डाल के मसाला जिसको छाप रहा है, क्योंकि अभी ख़त्म हो गया वहाँ कोना है दोस्तों, कोना में तो आप लोगों को पता ही है कि पकड़ता है ही नहीं सीमेंट,
देखिए कितना अच्छा जो है इसमें प्लास्टर हो रहा है। देखिए एक साइड का हो गया है, देखिए ऐसे खुल जाता है, ऐसे खुल जाता है दोस्तों। प्लास्टर वाला जो छत्ता है वो तो बालू, क्योंकि मोटा बालू आप लोग को बता चुके हैं जल्दी नहीं पकड़ता है, मोटा बालू का मसाला तो जल्दी नहीं पकड़ने सोचता है। सिमे का दोस्तों सूखा वाला इसका भी यूज हो रहा है, और ये जो गोला हुआ है दोगा इसको बोला जाता है, इसका नाम है दोगा। पानी मिला के सीमेंट को, सिर्फ सीमेंट को ही डाला हुआ है, तो इससे भी काम हुआ। और अभी गोला लास्ट कर रहा है, ख़त्म हो गया है प्लास्टर करना। अभी चना बन गया है, बढ़िया। अब फाइनल हो गया दोस्तों, यहाँ प्लास्टर करना है। अब अभी ये मसाला सामने से दिखा रहे हैं, तो ये कोना है ऊपर में, अभी इसको जो है संपर्क कर रहा है, जहाँ जहाँ मसाला छपा है उसी जगह को अभी इससे घोस रहा है, देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, किचन रूम का प्लास्टर भी कंप्लीट हो चुका है, नीचे वाला डेडो के लिए जो प्लास्टर हुआ करता है, और ये वाला किचन रूम भी हो गया है प्लास्टर करके कंप्लीट कर दिया है, देख सकते हैं उधर कोना से लेके। ये किचन रूम दोस्तों 6x6 का शायद होगा रूम, इधर देख सकते हैं इधर भी कंप्लीट हो गया है, ये 6x6 का किचन रूम है। अंदाजा तो नहीं, अंदाजा में बोल रहे हैं, अंदाज से बोल रहे हैं दोस्तों, ये 6x6 का ही रूम होगा। तो छोटा सा किचन है, छोटा सा किचन रूम है दोस्तों। तो ये भी प्लास्टर करके हो गया है नीचे का पर्सन,